नमस्कार, डीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश मेवाड़ा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीकॉम सेमिस्टर 3 में कॉस्ट अकाउंटिंग 1 के यूनिट 3 के मोस्ट एमबी के बारे में बात करेंगे। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 का भी वीडियो मैंने बना दिया है और ये चैनल पर रख दिया। अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ, वहाँ जाके वो लिंक पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। और ये पेपर स्टाइल के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो अगर वो भी आपने नहीं देखा तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ, तो आप वहाँ जाके वो लिंक पे क्लिक करके वो पेपर स्टाइल भी देख सकते हो। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास 4 यूनिट है, 4 में से आपको कोई भी 2 अटेंड करने हैं। एज पर जनरल ऑप्शन पेपर स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, 2021 के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ ये। तो 2021 में जो जनवरी में एग्ज़ाम होने वाली है वो जनरल ऑप्शन की पेपर स्टाइल है। उसमें जो जो आपको अटेंड करने होते हैं, 2 ही क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं उसके बारे में। अब यूनिट 1 आपको अटेंड नहीं करना है, थियरी है, इसलिए आप शायद अटेंड नहीं करोगे यूनिट 1। बट ओके, अगर यूनिट 1 अटेंड नहीं करो, मैं फिर से एक बात बता दूँ, यूनिट 1 अटेंड नहीं करो देन ओके, बट उसमें से कुछ IMP है वो आपको खाली रेडी करके जाना है। और वो मैंने आगे के वीडियो में भी बताया था, बट फिर भी अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको उसमें से क्या रेडी करना है यूनिट 1 की थियरी में से। तो यूनिट 1 की थियरी में स्पेशली आपको इलस्ट्रेशन 4 रेडी करना है और उसके जितने भी MCQs है वो रेडी करने हैं। यूनिट 1 की मैं बात कर रहा हूँ, भले आप थियरी ना पढ़ो ओके, बट थियरी आप ऑप्शन में निकाल सकते हो यूनिट 1 को, बट आपको MCQs और जो मैंने इलस्ट्रेशन 4 बताया वो आपको रेडी करके जाना है। यूनिट 2 का वीडियो मैं रख दिया है, यूनिट 3 का ये वीडियो है। यूनिट 3 में जो आपका चैप्टर है वो है डायरेक्ट लेबर, उसके बारे में बात करेंगे, उसमें क्या आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट लेबर के बारे में। अब जो आपका चैप्टर है डायरेक्ट लेबर, वो ये, तो अब उसमें सबसे पहले आपको IMP सम्स के बारे में मैं बात करता हूँ। तो IMP सम्स जो है उसमें आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 उदाहरण 1 छे आप, उसके बाद ये रोबेन वाला इलस्ट्रेशन 2, ये 3 IMP, उसके बाद सिक्स, सेवन, एट मोस्ट IMP, मोस्ट IMP 8। यहाँ पे टाइम और पीस वेज ही बताया, बट आप उसमें ऐड करके गिन लेना हेल्सी एंड रोवेन, चारों चार गिन लेना, हेल्सी भी गिन लेना और रोवेन भी गिन लेना। ये 9 IMP, लेसन 12 मोस्ट IMP 12, 13 ये टैक्सेशन जैसा सम है IMP, 14 जो मेन टॉपिक है यहाँ पे लेबर टर्नओवर, कामदार फिर बदली, तो ये जो मेन टॉपिक है उसमें IMP सम्स के बारे में बात करें तो इलस्ट्रेशन 17 है, 18, 20, 21। देखो यहाँ पे मैं लेबर टर्नओवर के बारे में बताऊँ तो 3 मेथड है आपकी, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट एंड फ्लक्स मेथड है, छूटा थेला कामदारनी અને પુનઃનિમણૂક થયેલ પદ્ધતિ અને ત્રીજી છે સંયુક્ત પદ્ધતિ। અબ યહાં પે ખાલી એક ચીજ મેં આપકો બતા દું
कि आपको क्या प्रॉब्लम होगी, तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे सब में सबसे पहले आपको तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर फाइंड करने हैं। ओपनिंग मतलब बिगिनिंग एंड एंड वर्कर्स जो होंगे उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज मिल जाएगी। उसके बाद लेबर टर्नओवर एज पर अंडर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट किसको हम बोलेंगे, तो यहाँ पे ये सब मैं बता दूँ। इलस्ट्रेशन 19 में देखो, 300 वर्कर वेर रिलीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, 300 वर्कर जो है हमारे फैक्ट्री छोड़ के गए। बट अब ध्यान रखना, हमें रिप्लेस का मतलब क्या होगा, रिप्लेस मतलब कोई जगह खाली हुई इसकी जगह पे जो लाए वो रिप्लेस है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है 540 वर्कर्स न्यूली रिक्रूटेड, हमने 540 वर्कर को न्यू लिया है बट रिप्लेस कितना किया है, तो यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ विच 340 वर्कर वेर रिक्रूटेड फॉर द न्यूली क्रिएटेड पोस्ट। तो 540 में से 340 तो न्यू पोस्ट के लिए, तो रिप्लेस कितने हुए, तो 540 में से 340 निकाल दो तो कितने आएंगे, 200 हमने रिप्लेस किए। तो ये 200 जो होगा वो हमारा जो रिप्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होगा उसमें, रिप्लेसमेंट थोड़ा फॉर्मूला में हमें क्या लिखना है, 200। क्लियर? आप गलती से 540 ना लिखो या 340 ना लिखो, तो ये आपको ध्यान रखना है 540 में से 340 न्यूली पोस्ट के लिए या एक्सपेंशन प्लान बुलाओ, विस्तरण योजना की दी हुई, तो ये नहीं लेवाना, आपड़े ये सिवायना वर्कर्स लेवाना छे। तो ये 200 आए ये आपड़े लेवाना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 19 कर दो आई एम बी। उसके बाद अगर आपको, जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले एवरेज फाइंड करना बिगिनिंग और एंड, तो अगर आपको बिगिनिंग के वर्कर दिए और एंड में वर्कर नहीं दिए, फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन 20 में देखो, नंबर ऑफ वर्कर 1 जनवरी को दिए, क्लोजिंग के वर्कर इसमें नहीं दिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो बिगिनिंग के वर्कर उसमें प्लस नंबर ऑफ वर्कर न्यू अपॉइंटेड, जितने भी अपॉइंटेड किए कोई भी रीजन से, तो यहाँ पे न्यूली अपॉइंटमेंट 200 सब में दिया, तो 200 प्लस करना है, और उसमें से जितने भी वर्कर फैक्ट्री छोड़ के चले गए जो लेफ्ट हो गए कोई भी रीजन से, तो लेफ्ट हुए 160, तो वो माइनस कर देना, तो आपको एंड के वर्कर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एंड के वर्कर नहीं दिए थे जो हमने फाइंड किए, तो ये सब में ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया, यहाँ पे ये, और यहाँ पे इलस्ट्रेशन 21 भी आई एम पी हमारा 21 में क्या है एग्जैक्टली, तो देखो बिगिनिंग और एंड तो दे दिया, एवरेज बन जाएगा। अब कितने वर्कर फैक्ट्री छोड़ के गए, तो रिटायर्ड हुए, रिजाइन और सस्पेंडेड, ये तीनों का टोटल करना है, तीनों का 1, 2, 3 का टोटल करोगे तो ये जो वर्कर मिलेंगे हमें वो सेपरेशन मेथड के लिए मिलेंगे, छूटा थैल कामदार के वाइन है, तो ये तीनों का टोटल आएगा। उसके बाद न्यूली वर्कर अपॉइंटेड वैकेंट पोस्ट और न्यू प्लान वाला हमें नहीं लेना, हमें सेकेंड नंबर के फॉर्मूला में मतलब रिप्लेसमेंट मेथड वाले फॉर्मूला में हमें ये लेना है। सो क्लियर? ये टॉपिक 21 जो था मेन आईएमपी था उसका, उसमें ज़्यादा कुछ थियरी है नहीं, ऑलमोस्ट सम ही है, बट फिर भी थोड़ी बहुत थियरी आप पढ़ लेना जो आपकी नॉलेज के लिए काम आएगी। आइडियल टाइम, नॉर्मल आइडियल टाइम है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम, ये उसके बाद ये जो हमने प्लान लिखा हेल्थी रोवेन, तो वो एक बार यहाँ पे आपको रीड कर देना है जिसके मेरिट और डीमेरिट्स है, हेल्थी रोवेन और टेलर, ये तीन प्लान भी एक बार पढ़ लेना, थियरी में हो सकता है पूछ सकते हैं। उसके बाद ये जॉब कार्ड एक बार पढ़ लेना, वन टाइम रीड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको रेडी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये रेडी, एक बार रीड कर लेना। उसके बाद अगर आपको एक्सरसाइज के कुछ सम की प्रैक्टिस करनी है तो आपको एग्जांपल फॉर लेटेस्ट एग्जाम वाले ये प्रैक्टिस के लिए, तो इतने सम आपको प्रैक्टिस के लिए है, ये 8 to 9 सम है, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। तो ये हो जाएगा आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट 1, 2 और 4 का भी वीडियो मैंने बना दिया और ये चैनल पे रख दिया। अगर आप भी चाहते हो कि बाकी के यूनिट भी आप इसी तरह से एक स्ट्रेटजी से रेडी करो, तो वो वीडियो देख लेना, पूरे देखना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।